यूक्रेन पर रूस की तरफ से किए जा रहे हमले को 2 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूसी सेनाओं के हमले में कोई कमी नहीं है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक प्रमुख वजह वहां धरती के नीचे छिपा वाइट गोल्ड यानी लिथियम का अकूत भंडार है। माना जा रहा है कि अगर इस भंडार का सही दोहन हो तो यूक्रेन लिथियम का सबसे ज्यादा रिजर्व वाला देश बन सकता है। खास बात यह है कि लिथियम का अधिकतर भंडार यूक्रेन के पूर्वी डोंबास इलाके में है। यह वही इलाका है जिस पर 2014 से ही रूसी अलगावादी का कब्जा रहा है और इस समय भी रूसी सेनाओं ने सबसे ज्यादा आक्रामक रुख इस इलाके के आसपास रखा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है वाइट गोल्ड, क्यों रूस पड़ा है इसके पीछे, आखिर क्यों है लिथियम इतना कीमती, यूक्रेन में इसका कितना भंडार है। क्या है वाइट गोल्ड यानी लिथियम? लिथियम एक चांदी जैसी सफेदी वाला केमिकल मेटल है जो बेहद हल्का है। पिछले कुछ वर्षों में लिथियम का इस्तेमाल बैटरियां बनाने में हो रहा है, वहीं अब स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों तक की बैटरियों में लिथियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां लिथियम के पीछे पड़ गई हैं। लिथियम को दुनिया की एनर्जी जरूरतों का भविष्य माना जा रहा है। भविष्य में फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल कोयले की उपलब्धता कम होते जाने से ही दुनिया इसके विकल्प के रूप में क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है। क्या है क्लीन एनर्जी? क्लीन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसके इस्तेमाल से वातावरण में प्रदूषण का खतरा नहीं होता। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे क्लीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी। सोलर और विंड से एनर्जी पैदा करने के लिए लिथियम बैटरियों की जरूरत पड़ती है। साथ ही जब सूरज चमक ना रहा हो या हवा ना बह रही हो तब भी लिथियम बैटरी में स्टोर एनर्जी इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2040 तक दुनिया की क्लीन एनर्जी में 90% लिथियम का इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिक लिथियम आयन बैटरियों की विकल्प के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम से लेकर कटहल तक को आजमा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में लिथियम की मांग 51 गुना तक बढ़ सकती है। बढ़ती हुई मांग की वजह से दुनिया लिथियम के पीछे पड़ी है और पिछले एक साल में इसकी कीमत 4 गुना तक बढ़ चुकी है। क्यों हो रहा है लिथियम का बैटरियों में ज्यादा इस्तेमाल? लिथियम आयन बैटरी का पहली बार इस्तेमाल 1991 में सोनी ने एक कैमकॉर्डर में किया था। इसके बढ़ते महत्व का नतीजा है कि 2019 में लिथियम ऑयल बैटरियों की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। लिथियम बैटरियां अन्य बैटरियों की तुलना में सबसे ज्यादा ताकतवर और हल्की होती है। साथ ही लिथियम बैटरियां लेड एसिड बैटरियों की तुलना में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलती है। लिथियम बैटरियों की सबसे बड़ी खासियत हाई एनर्जी डेंसिटी है, मतलब इसकी आम बैटरियों से ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। इसका मतलब है कि लिथियम बैटरियां अन्य बैटरियों की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। यानी लिथियम आयन बैटरी से लेस इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को ज्यादा समय तक ड्राइव किया जा सकता है। वहीं स्मार्टफोन में इन बैटरियों के इस्तेमाल से उनकी बैटरियां लगभग पूरे दिन टिकेंगी। आपको बता दें, अभी दुनिया में 1 करोड़ इलेक्ट्रिक कारें हैं जिनके इस दशक के अंत तक 14 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा लिथियम बैटरी की मांग है। एक सिंगल इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी में भी 8 किलो लिथियम की जरूरत पड़ती है। हर साल दुनिया भर में 7 अरब लिथियम बैटरियां बेची जाती है और इसके 2027 तक बढ़कर 15 अरब हो जाने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक चीन 2021 में दुनिया में लिथियम आयन बैटरी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर रहा और इस दौरान दुनिया की 79% लिथियम आयन बैटरी चीन में बनाई गई। एक साल में 4 गुना बड़ी बैटरी ग्रेड लिथियम की कीमत पिछले एक साल में लिथियम की कीमत में 4 गुना से ज्यादा इजाफा हो चुका है। बैटरी ग्रेड लिथियम कार्बोनेट की कीमत 2018 में 1,301 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2020 में 612 रुपए प्रति किलो हो गई थी, लेकिन 2021 में ये 1,301 रुपए प्रति किलो हुई और अप्रैल 2022 तक पिछले एक साल में 5 गुने से बढ़कर $81 यानी 6,200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। यूक्रेन में कहां छिपा है लिथियम का भंडार? यूक्रेन के रिसर्चर्स का मानना है कि देश के पूर्वी इलाके में करीब 5 लाख टन लिथियम का भंडार मौजूद है।
अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा लिथियम भंडार वाला देश बन सकता है। लेकिन यूक्रेन में मौजूद इस लिथियम भंडार का अभी तक इस्तेमाल ही शुरू नहीं हो पाया है। यूक्रेन का ज्यादातर लिथियम भंडार पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में पड़ने वाले एक इलाके में है और देश के सेंटर में होने का अनुमान है। संयोग से रूसी सेनाओं ने पिछले दो महीने से सबसे भीषण लड़ाई डोनबास के इलाके में ही छेड़ रखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया और चीन की कंपनियों से यूक्रेन में मौजूद लिथियम कॉपर निकालने जैसे खनिजों के भंडार की खोज और उन्हें निकालने के लिए करार भी किया। नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया की कंपनी यूरोपियन लिथियम ने यूक्रेन में मौजूद दो संभावित लिथियम भंडारों को निकालने के अधिकार हासिल किए थे। उसी महीने चीन की भी कंपनी ने लिथियम भंडारों के अधिकार पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले से लिथियम के इन रिजर्व्स पर काम ही शुरू नहीं हो पाया। रूस की क्यों है यूक्रेन के लिथियम भंडार पर नजरें? रूस के पास करीब 10 लाख टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है। तो आखिर क्या वजह है कि पुतिन यूक्रेन के लिथियम भंडार के पीछे पड़े हैं? इसकी कई वजहें हैं। रूस 2014 से ही लिथियम और बायोफ्यूल जैसे क्लीन एनर्जी विकल्पों पर ध्यान दे रहा है। रूस का लक्ष्य 2030 तक ग्लोबल लिथियम मार्केट शेयर की 10% हिस्सेदारी हासिल करना है। लिथियम ऐसा मेटल है जो कि अयस्क के रूप में धरती के नीचे पाया जाता है, जिसे बाहर निकालना पड़ता है। इसकी खुदाई इस बात पर निर्भर करती है कि किस जगह पर कैसा लिथियम का भंडार मौजूद है। 2018 में ग्लोबल मार्केट में लिथियम की कीमत गिरने लगी थी। लिथियम के मामले में कहाँ है भारत? भारत में लिथियम का बहुत ही कम उत्पादन होता है। भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। 2020 में भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा और उसने 14.4 मिलियन डॉलर यानी करीब 110 करोड़ रुपए की कीमत में लिथियम का आयात किया था। भारत अपनी लिथियम आयन बैटरियों का करीब 80% हिस्सा चीन से आयात करता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम कर रहा है।